हेलो बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल कमला एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पांचवी कक्षा लेसन नंबर 6 पेटू राम क्वेश्चन आंसर। शब्दार्थ, उपवास भोजन का त्याग या कुछ न खाना। संकोच, हिचक या आगे पीछा। कृपया, कृपा करके। केवल, सिर्फ। मेवा, सूखे फल। भोजन, खाना। कोष्टक में उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। पेटूराम खाने पीने में डैश नहीं करते। संकोच, पेटूराम एक पाव डैश खाएंगे। मेवा, पेटूराम एक डैश सेब खाएंगे। किलो, पेटूराम आधा लीटर डैश पिएंगे दूध। पेटूराम उपवास में डैश नहीं खाते। अधिक, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। पेटूराम में कितने अंगूर मंगवाए। पेटूराम ने आधा किलो अंगूर मंगवाए। पेटूराम ने दूध के साथ और क्या मंगवाया। पेटूराम ने दूध के साथ रबड़ी मंगवाई। पेटूराम ने कौन कौन से फल मंगवाए। पेटूराम ने अंगूर, केले और सेब मंगवाए। पेटूराम ने कितने केले मंगवाए। पेटूराम ने आधा दर्जन केले मंगवाए। पेटूराम ने उपवास के दिन क्या क्या और कितना कितना खाया। पेटूराम ने उपवास के दिन आधा किलो अंगूर, आधा दर्जन केले, एक किलो सेब, एक पाव मेवा, सवा किलो मिठाई, एक लीटर दूध और रबड़ी, यह सब चीज़ें उन्होंने उपवास के दिन खाई। दी गई वस्तुएं किस माप में तोली जाती है लिखो। अंगूर किलो, केले दर्जन, दूध लीटर, कपड़ा मीटर, मिठाई किलो, पेट्रोल लीटर। भाषण, सभाषण। पेटूराम पाठ पढ़कर उसे अपने शब्दों में बताओ। एक थे पेटूराम, एक बार उन्होंने उपवास किया। उनसे पूछा गया कि उपवास में वे क्या खाएंगे। उन्होंने बताया कि उस दिन उनका उपवास है, फिर भी थोड़ा बहुत खा लेंगे। उन्होंने फलाहार के लिए आधा किलो अंगूर, आधा दर्जन केले और एक किलो सेब मंगवाए। इसके अलावा एक पाव मेवा, सवा किलो मिठाई मंगवाई। इतना ही नहीं, एक लीटर दूध और रबड़ी भी लाने के लिए कहा। इतना सब मांगने के बावजूद उनका कहना था कि उपवास में वे अधिक नहीं खाते। ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।